देहरादून का दो दिन के यात्रा खत्म। अब वापस शिमला की तरह निकल रहे जी। रास्ता मौसम काफी साफ आज लखन वाला से निकल रहे जी हम लोग। देखो यहीं पर था तिप्ति कॉलोनी था, मस्त था। यहाँ स्तूपा देख भी रहे, यहाँ था निकल रहे जी आप लोग। काफी खूबसूरत जगह है देखो, वाह हरियाली हरियाली के बीच में मक्खन जैसा रोड। हाईवे रोड हरियाली काफी खूबसूरत। अब हम लोग देहरादून से आधा रास्ता पहुंच गए जी। अब शिमला पहुंचने लगे। अब देखो यहाँ मौसम बदल गया, मौसम बदल गया जी, पूरा बादल छा गया। तो शायद हिमाचल शिमला में वर्षा होने का संभव। मकई उत्तराखंड का देहरादून का जंगल हरियाली। फोटो लगा दे, खूबसूरत है जगह का भी देखते हैं क्या। काफी खूबसूरत जगह, काफी खूबसूरत। देखो नीचे व्यू, रास्ता पहुंच गया शिमला जो देहरादून उत्तराखंड से हम लोग लौट रहे हैं। रास्ते में मिल गया इतना अच्छा व्यू, काफी खूबसूरत है यहाँ। वाह चिखाई कितना खूबसूरत है। देखो यहाँ जी जी काफी खूबसूरत, काफी खूबसूरत नीचे खाई हुआ। बहुत गहरा है जी खाई। देखो अम्मा जी का बकरी है जी, बकरी। अम्मा जी बकरी बकरी है, बकरी कितना बकरी है वहाँ, कितना बकरी है? नौ दस। वही मारता नहीं यहाँ? बेरे नहीं, बेरा बेरा नहीं है। ये लोग कितना नहीं नहीं सर खाई में बढ़ते ना। अच्छा अच्छा काफी खूबसूरत है जी। इसका ऐसी जगह का नाम जो बहुत खूबसूरत है ना। अच्छा ब्रसना, टिक्का ब्रसना। अच्छा अच्छा हाँ। नीचे कुछ बन रहे हैं ना नीचे नीचे में। अच्छा अच्छा ये वाला नीचे बड़ा पड़ जगह तो कितना आराम से बैठे हैं। ये खाना डालते हैं ना इनको। हाँ अच्छा ऐसे खाई में नहीं गिरेगा ना ये लोग नीचे है? अच्छा नहीं नहीं गिरेगा ना नीचे ये लोग, ये पकड़े नीचे खाई। काफी खूबसूरत जगह है जी यहाँ, बहुत बहुत सुंदर। ऐसे तो अभी बहुत क्या बोलते हैं यहाँ क्लाउड है ना, बादल से छाए है नहीं तो काफी खूबसूरत व्यू है।
यहाँ का नज़ारा का लुप्त हो गया, बहुत काफ़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जगह जी। काफ़ी खूबसूरत हो गए जी, चलते काफ़ी हाई है थोड़ा सा। क्या करना माता पे क्यों तो ये यार किम तो कौश तो ये पर किम तो कौश तो लमा ला आप यहाँ जम लग के जी, देखो रास्ता है यहाँ पर, टंगा गिर गया और उसकी वजह से गिर गया, जम लग गया, लग जाएगा 2-3 घंटा। आप पहुँच गए जी शिमला, पहुँचने वाला जी सोलन कड़ गया, यहाँ का खूबसूरत जगह है कि पॉइंट, चाय पानी पीने का जगह।